मच्छी फाड़ के खाने का मजा बहुत आता। दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी राजा फानी। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं यार? आज मेरा प्रोग्राम बना है कि आज मैं दरियाए जेहलम पे जाके फ़िशिंग करूं, और मौसम इंतहाई खूबसूरत है। तो छोटे भाई को तो मैंने कहा है कि मेरे साथ आओ, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ, वो सोया हुआ था। तो इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं, और मैं अपने जो मेरा स्कूल फ्रेंड है उसके साथ जो है मैं फ़िशिंग करने के लिए जा रहा हूँ। तो जब मैं, पता नहीं अभी कुछ हाथ आता है या नहीं आता, लेकिन ये है कि एक हमारी मुलाकात भी हो जाएगी काफ़ी अरसे बाद, और हम इंजॉय भी कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह हम दरिया पे जाके। अब इस वक्त हम हाफिज जाज साहब के डेरे पे मौजूद हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है गांव में आके। तो मैं आपको गांव का व्यू भी दिखाता हूँ। तो आप साहब व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे? जी इंशाल्लाह आज हम जा रहे हैं दरिया, और कोशिश करेंगे कि मछलियाँ पकड़ने ना पकड़ने हुए तो मछलियाँ हमको पकड़ लेंगी। अभी हम जाते हैं तो आपको भी व्यू दिखाएंगे इंशाल्लाह, गांव का व्यू दिखाएंगे, और मुझे तो गांव आके बहुत अच्छा लगता है। हमारा मकसद जो है फ़िशिंग करना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ यह है एक दूसरे के साथ बैठ के गपशप करना, और काफ़ी अरसे के बाद। क्यों आप सब? जी बिल्कुल, हमने फिश तो बाज़ार से लेके भी खा सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं मच्छी फाड़ के खाने का मज़ा बहुत आता है। उन पता नहीं मच्छी आएगी नहीं आएगी। तो आपको व्यू दिखाता हूँ मैं। पहले हम फेंकने लगे हैं इंशाल्लाह। बस आपसा फिर आज भून के खिलानी है आपने, मुझे नहीं पता। मैं कहता हूँ इतने मन पकड़ने के, मैं फिर पिंडी भेजूं। मैं कहता हूँ स्टाल लगा लेंगे। चलो ठीक है जी, पहली अब फेंक दी है, अभी एक मैं फेंकने लगा हूँ। ठीक, हाफिज साहब हैं, इनसे गुजारिश करेंगे कि हमें जो है एक प्यारी सी नात भी सुनाएं इस इन्वायरमेंट में। ठीक है, सुकून का इन्वायरमेंट है, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वो नात भी सुनवाएंगे। दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, जल बहाना मेरे हुजूर का है, जल बहाना। और हर जमाने
हर जमाने की आप रहमत है, हर जमाना मेरे हुजूर का है, हर जमाना मेरे हुजूर का है दिल ठिकाना। तो जी गाइस, जिन लोगों को पता नहीं है कि हाफ़िज़ साहब का तारफ ये है कि जो है मेरे साथ उनका तल्लुक जो है तकरीबन कितने साल का है, हम छठी क्लास में थे, तो ये मेरे क्लास फेलो हैं और ये मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। तो मैं हमारी मुलाकात होती रहती थी, लेकिन ये है कि कभी जो है आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। तो जो है इस मरतबा मैंने कहा यार कोई प्रोग्राम बनाए, पहले तो ये आज़ाद कश्मीर निकल गए ये गैर कानूनी तरीके से, तो मुझे धोखा दे दिया इन्होंने, ठीक है। तो फिर मैंने आज निकलना था पिंडी, तो मैंने कहा आप सब मतलब देखें ये तो बेरुखी है, ठीक है, इस तरह तो अच्छा नहीं होता है। तो फिर इन्होंने हमें टाइम दिया, तो बड़ी मेहरबानी, लेकिन इन्होंने बहुत ज़बरदस्त माहौल बनाया, ठीक है। तरबूज मंगवा लिए हैं और हमने दरिया में फेंक दिए हैं, भाई जब ठंडे होंगे मछली नहीं तरबूज तो खाएंगे। ओह माय गॉड, पूरा माहौल बनाया, पूरा माहौल बनाया। और ये पूरा माहौल ये देखें ना, ये जनाब ये सारे हमने कंटे लगा के बिठा दिए हैं, हमने बिठाए हुए हैं भाई। तो दुआ करें हमारे लिए कि कुछ हमें मिल जाए। दरस जा रहे हैं वहाँ पर, हम जाके आपको मछलियाँ दिखाएंगे भी और फ्राई करके दिखाएंगे किस तरह फ्राई करके खाया जाता है। मछली फ्राई हो के आ चुकी है आप साहब, तो व्यूवर्स को भी दिखाते हैं, उनके साथ भी शेयर करते हैं। तो हम खाएंगे मछली अभी आपके सामने, तो ये देखें ये मछली फ्राई हो के आ गई है। मेरी तो बस हो गई है तोबा आज के बाद मछली। व्हाट डू यू मीन बाय तोबा भाई, ये देखें ये मछली समझ के आप खाएं, आपने जो जितनी मछलियां पकड़ी है ना, उफ अल्लाह क्या बात है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो हम तो मछली इसको समझ के खाने लगे हैं। तो जजाकल्ला, थैंक यू वेरी मच आप लोगों की सपोर्ट के लिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।